तो अभी हो रहे हैं सुबह के, या रात के 3:30 बज रहे हैं। अभी रात के बिल्कुल 3:30 बज रहे हैं और अंधेरा है, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए। जी हाँ, तो हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए रात के 3:30 बजे। कैन यू इमेजिन? लेकिन हम जा रहे हैं, जो लोग नहीं सोच सकते वो हम करते हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं चाय वाय पीते हैं। 3:30 बजे हैं तो घर आके फिर अम्मी को भी उठाना है सही के लिए। तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगी। ये शायद कुछ खाएंगे तो खाएंगे। और बाहर का माहौल दिखाती हूँ। सोसाइटी का माहौल तो बिल्कुल ही सुनसान है, लेकिन बाहर का माहौल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्रेजी हो रखा होगा। चलिए मिलती हूँ आपको बाहर। तो यहाँ हम निकल आ चुके हैं बाहर और ये देखिए अभी भी लोग हैं चाय की शॉप पे। हम चाय पीने के लिए आए थे तो ये हमारे घर के पास में ही है। तो अभी भी देखिए लोग दिख रहे हैं आपको। और ये आ गई है मस्त मस्त चाय, ऑमलेट और बन मस्त। निकली हूँ यहाँ से चाय पी के और आप लोगों ने देखा ना कितना रश है। अभी तो मैं आगे जा रही हूँ, आगे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना रश है। अभी भी लोग दिख ही रहे हैं चाय के, इतने क्रेजी है ना पुणे के अंदर लोग। मतलब रात हो दिन हो बस खुली रहनी चाहिए और चाय मिल जाए। तो यहाँ हम निकल आए थे थोड़ी सी और आगे, तो क्योंकि थर्सडे का दिन था तो इसीलिए इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। फिर भी उस हिसाब से रश थी, बट जो रश होती है ना लाइक क्रेजी, तो वो नहीं थी अभी। वो आपको मिलेगी सैटरडे या संडे नाइट को। मोस्टली फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो अभी तो फिर भी खाली था। तो हाँ, हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा आगे और राउंड मारने के लिए, देखने के लिए कि क्या माहौल है थर्सडे के दिन। तो मैं भी पहली बार ही निकली थी थर्सडे, मतलब वीकेंड्स में तो मैं निकली हूँ, बट वीकडेज से हटके जो दिन हुए थे ना उसमें मैं अभी निकली थी, तो इतना आइडिया नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा तो खाली मिला, बट हाँ लोग थे। तो बस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और लोग तो दिख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता खाली है, लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे ही भीड़ है बस, वो मस्जिद की वजह से होती है। मस्जिद की वजह से भी है। अब सब अपने घर निकल रहे हैं। सहरी हो गई है, अभी टाइम है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है सहरी में अभी। और फ्लैश लाइट ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। यहाँ पर ना माइया सो रही है, मिश्का उठ गई है। मिश्का को लगी थी भूख, तो मिश्का उठ गई है, उसने भी सहरी कर ली है। तो हाँ, माइया अभी सो रही है, इसलिए मैं लाइटें जला रही हूँ उनकी। बस फिलहाल चाय वाय पी के हम लोग आ गए हैं और घर पर आके कुछ भी नहीं खाया ना इन्होंने ना मैंने, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है। और हाँ, बस पूरी रात के जगे हुए हैं, बट अच्छा लगा बाहर। इतनी भीड़ नहीं थी, आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है। तो अगर आज गए तो आज भी आप लोगों को लेके चलेंगे। तो फिलहाल नमाज हो गई है, लेकिन अभी फजर की नमाज नहीं हुई, 9 बजे का वक्त होने वाला है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और सहरी में है तो मैं पानी की बॉटल लेके बैठी हूँ। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एंड तक पानी पीते रहते हैं? मतलब एक ऐसा होता है कि स्टोर कर लिया पानी को पूरे दिन के लिए, ऐसा पानी पीती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो ऐसा कौन से लोग हैं तो कमेंट करके बताइएगा जो पानी पीते रहते हैं एंड तक। तो हाँ, मुझे बहुत पानी लगता है, तो मैं अभी वही बॉटल भर के आई हूँ और बस अभी बैठी हूँ रूम में। कूलर चल रहा है, इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, थोड़ा तर से ना गर्मी बढ़ गई है तो इसलिए कूलर चला रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चलाते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो फिर बंद कर देते हैं। तो हाँ, उसके बाद तो बस अभी नमाज वगैरह पढ़ूँगी, उसके बाद सो जाएंगे और फिर जब उठेंगे तो फिर मार्केट वगैरह जाना है, फिर शाम की तैयारी करनी है, तो बस ये रूटीन है। तो हाँ, तो चलिए अभी मैं चलती हूँ और फिर आप लोगों को आराम से उठने के बाद मिलूँगी। यहाँ चली मैं अब सोने के लिए और आपको मिलूँगी उठने के बाद। तो चलिए मिलूँगी उठने के बाद सुबह। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह या दोपहर पर है 2 और मैं उठ चुकी हूँ सो के, तो वापस से बैक टू वर्क में जा रही हूँ सामान लाने के लिए। तो देखते हैं आज क्या बनाना है। आज वैसे कोफ्ते का प्लान है, तो कोफ्ते बनाने में उसके साथ दाल चावल अच्छी लगती है, तो दाल भी ख़त्म हो गई है तो दाल भी लेके आ रही है। एक्चुअली में डी मार्ट जाना ना बहुत टाइम से हो नहीं पाया है। डी मार्ट जाओ तो सब सामान इकट्ठे आ जाता है, बट अभी डी मार्ट जाना हो नहीं पाया है।
तो बस अभी निकलते हैं और सामान वगैरह लेके आते हैं। और अभी ना बाहर निकलने का मतलब तेज़ धूप हो रखी है, तो लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है, जाना तो है ही, सामान तो लाना है। और अभी 1 बज रहे हैं, फिर बच्चों के 3 बजे मकतब भी जाना है। तो उससे पहले पहले क्या है, सामान घर में आ जाए ना, फिर कभी भी बनाओ तो इतना टेंशन नहीं है, सामान आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो देखते हैं अभी क्या मिलता है। आजकल ना दुकानें भी बहुत लेट खुलती हैं, तो दुकानें भी बहुत लेट खुलती हैं। ऐसे में क्या होता है, पूरी रात यहाँ पे सब लोग के जगह रहते हैं, पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं सुबह तक फजर तक, और उसके बाद दुकानें स्लो डाउन होने लगती हैं। मतलब अभी अगर मैं जाऊँगी तो इतना मार्केट शायद ना खुला हो, पर जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मार्केट खुला होगा, वहाँ लोग दिखेंगे ही आपको, लेकिन दुकानें इतनी नहीं खुली होती, मतलब काम इतना नहीं चल रहा होता। तो काम की स्टार्टिंग वो 3 या 4 बजे से करते हैं, जो उनकी स्टार्ट होती है ना, मतलब अपना इफ्तारी की तैयारी करने लगते हैं वो 3 बजे से। तो हाँ, 3-4 बजे से थोड़ी सी भीड़ होने लगती है, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है। चलो चलते हैं, बहुत बातें होगी, चलते हैं और सामान लेके आते हैं। चलो तो आ गए हम लोग धूप पे से सामान लेके। धूप सच में तेज है, तो हाँ, लेकिन फिर भी लोग ना मार्केट में उतरे हुए हैं। मार्केट में भीड़ थी, मतलब इतनी नहीं थी, मैंने बताया ना आपको 3 या 4 बजे के बाद भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इतनी नहीं थी, बट फिर भी लोग थे। तो बेचारे जो आधा किलो कीमा और उसमें मैंने डाला है पिसा हुआ प्याज, तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीब है कीमा और इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ प्याज। 2 प्याज मैंने अच्छे से पीस के डाल दिए हैं इसमें। और ये पता नहीं वीडियो इतनी मतलब छोटी क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैमरा शायद सेटिंग प्रॉब्लम हो गई है, कुछ देखना पड़ेगा। तो हाँ, तो बस अदरक इसमें ना सिर्फ अदरक का पेस्ट डालना है, लहसुन का पेस्ट नहीं डालना। अगर आप लहसुन का पेस्ट डालोगे तो फिर कबाब आपके टूटने लगेंगे, तो सिर्फ अदरक का पेस्ट डलेगा इसमें। और उसके बाद यहाँ पर सारे जो भी खड़े मसाले होते हैं, सॉरी पाउडर मसाले होते हैं, वो सब जाएंगे, यानी कि नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नहीं जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर अच्छे से भर के, और मीट मसाला पाउडर अच्छे से भर के, ठीक है, ये सब जाएगा। और नमक कैसा है ना, अभी रोज़ा चल रहे हैं, रोज़े में थी मैं, तो नमक का मुझे समझ में नहीं आया, जब पक गया था ना, जब खाने के लिए बैठे तो नमक बहुत ही कम था, तो कोई बात नहीं, दाल चावल के साथ चल गया, चलाना पड़ा, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं ना, रोज़े में नमक चख नहीं सकते, तो खैर अंदाज़ा नमक लिया था मैंने, तो पर टेस्ट बहुत अच्छा था और मेहनत कुछ भी नहीं है। देखो कच्चे कीमे में ही सब कुछ मैंने डाल दिया है। और सबसे इसमें मोस्ट इंग्रेडिएंट जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो क्या है पता है, सरसों का तेल। जी हाँ, राई का तेल, अभी मैं इसमें ऊपर से डालने वाली हूँ सरसों का तेल। और मैंने तकरीबन कुछ 4 या 5 ढक्कन डाला था, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने हाथों से, खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सरसों का तेल है, जो सारे मसाले हैं, वो सब अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाए, बाइंड अप हो जाए, ठीक है। और इसमें ना कुछ भी नहीं डलेगा, ना बेसन, ना अंडा, ना कोई ब्रेड क्रम, ना कोई कॉर्नफ्लोर, कुछ भी कुरकुरापन करने के लिए कुछ भी नहीं डलेगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, तो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, तो मैं आज बनाने वाली थी। मैंने कहा चलो न्यू सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनके साथ भी शेयर किया जाए। और बिल्कुल भी टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है, कोई मसाला पकाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ कच्चे में सब कुछ मिक्स कर देना है, और एक जादू से कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे, और बहुत ही टेस्टी यम्मी से कोफ्ते तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल चुकी हूँ, देखिए मेरे हाथों में भी लगा हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करने हैं, इसका बॉल बनाना है। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया है, जो भी कढ़ाई जिसपे मुझे इसको पकाना है उसको पहले मैं गरम करूँगी, गरम इन द सेंस कि मैंने मतलब धोया था तो उसमें थोड़ा सा पानी था, तो इसीलिए मैंने उसको पहले गरम किया। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, तो इसको ना मैं गरम करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अभी धोया था कढ़ाई को, तो उसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसीलिए मैं उसको गैस पे रखा है सुखाने के लिए। तो बस जब ये पानी सूख जाएगा तब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तेल, मतलब इसको उतार के कढ़ाई को गैस पे से, और उसके बाद इसमें डालूँगी तेल, और उसके बाद क्या करने वाली हूँ वो मैं आगे दिखाऊँगी।
तो यहाँ पर मैं इस तरह से देखिए बॉल्स बनाऊंगी, बट यहाँ पर ना मैं तेल डालना भूल गई थी, तो मैंने जब कढ़ाई में रखा ना इसको, तो मुझे याद आया कि अरे मैं तो तेल अभी डाला ही नहीं तो फिर अभी ना मैं वापस से तेल डालूंगी इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। गैस पे से उतार लिया मैंने इसको, और उसके बाद वही सरसों का तेल, इसका मेन इन्ग्रीडियंट है सरसों का तेल। नॉर्मल तेल में भी आप पका सकते हैं लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आएगा, सरसों का तेल ही डालना पड़ेगा। तो हाँ, ये ना हमारे घर की डिश है, तो हमारे घर में यानी बिहार साइड में ये ऐसे ही पकी जाती है। जितने भी अगर कोई बिहार के मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। तो खैर, तो मैंने इस तरह से सरसों का तेल डाल के उसको इस तरह से चारों तरफ फैला दिया है, और उसके बाद मैं बॉल्स बना के इसके अंदर रखूँगी। तो अभी देखिए आप कैसे रखती हूँ। तो इस तरह से जल्दी जल्दी इसके बॉल्स बना लेंगे जितने आपको चाहिए। तो मेरा ना थोड़े से बच गए थे, तो उसको क्या किया मैंने, फ्रीज कर दिया है, मतलब एक लेफ्ट जो था वो मैंने रख दिया फ्रीज़र में, तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से बना दिया। तो लेफ़्ट जो बचा हुआ है आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी करके अगले दिन बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया, उसके बाद उसको मैंने रख दिया है गैस पर। गैस पे रखने के बाद इसको मैंने, आप देख सकते हैं अभी हाई फ्लेम पर है, बट इसको जब पानी छूटने लगेगा, इसमें अभी बहुत सारा पानी छूटेगा क्योंकि प्याज वगैरह भी डला, तो डरिएगा मत, वो टूटेंगे नहीं कोफ्ते। बस इसको अब हमें सिम पे कर दूंगी और ढक कर इसको छोड़ देंगे। इसको पकने में एटलीस्ट आपको समझो कि 25 से 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं, और जब पानी सूख जाता है ना तब इसको बंद नहीं करना है फ़ौरन, इसको थोड़ा सा भूनते रहने देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पानी छूट रहा है, तो अभी भी इसको मैं और आधा घंटा या एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए रखूँगी, जब पानी सूख जाएगा उसके बाद भी इसको मैं अच्छे से फ्राई। फ्रूट्स लाने के लिए जैसे कि मैंने कहा था, तो मेरा खाना वाना सब कुछ हो चुका है डन, नमाज भी हो गई असर की, तो बस अब निकल रही हूँ मैं, फ्रूट्स लेके आती हूँ और फिर आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। तो इफ्तारी हो गई थी, तो बस उसके बाद का काम बहुत मुश्किल लगता है, सब उठाना और फिर रखना फिर धोना, तो बस इसी काम में लगी हुई थी। तो जल्दी यहाँ पे सब उठाना हो रहा है, और उसके बाद फिर बर्तन धोए जाएंगे और फिर चाय बनेगी। तो यही डेली का रूटीन ना यही रहता है, बस इफ्तारी तो कर लेते हो, उसके बाद जो फिर उठाने का रहता है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मिश्का हमारी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो हाँ तो हो जाता है जल्दी काम। तो बस यहाँ पर उठाने का काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। एक्चुअली मुझे ना मशीन में कपड़े डालने हैं, सोचूं कपड़े धो ही दूं, पर अभी लग रहा है बारिश का मौसम, ऊपर बादल हो रखे हैं, तो हो सकता है बारिश भी हो सकती है। पीछे मैंने चाय चढ़ा दी है, और बच्चों की आज दावत थी, तो बच्चे गए हुए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे दावत में, मतलब अपनी बिल्डिंग में ही दावत पे गए हैं, इफ्तारी की दावत पे गए हुए हैं वो लोग। तो बस कहते हैं ये अपनी मीटिंग में बिज़ी हैं, तो इनसे मैंने पूछा ही नहीं कि चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे, इन्होंने तब तक इफ्तारी भी नहीं की है, सिर्फ खजूर खाया पानी पिया है इतना ही। तो जब मीटिंग ख़त्म होगी तभी ये खा पाएंगे कुछ। तो मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, शायद आपको बूंद दिख रही हो, पता नहीं दिख रही है कि नहीं। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना रात में, और भी ज़्यादा कलर निखर के आ रहा है इसका, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो बादल, बिल्कुल बादल ही बादल है हर जगह, ये पता नहीं बारिश ही है या मच्छर है जो बीच बीच में आ रहे हैं, या किस बारिश ही है। तो हाँ
तो मैं नहीं सोई हूँ इफ्तारी के बाद, बस चाय वाय पी है और थोड़ा सा काम था एडिटिंग का वो किया, और अब मैं वापस से जा रही हूँ कहाँ कपड़े लगाने। यस, मशीन में कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो सुबह से धोना था बट धो तो लो, सुखाने का फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब रोज़े की हालत में। तो मैंने सोचा था इफ्तारी के बाद मैं सारे कपड़े मशीन में लगाऊंगी, तो अब बस उठ रही हूँ। अभी कुछ 8:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेते हैं, उसको ऐसे 1.5 घंटा तो लगेगा धोने के लिए, तो मशीन लगाने जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, इससे पूछते हैं क्या चाहिए, तो चलो चलते हैं मशीन लगा। और उसके बाद हुआ ऐसा कि ना मशीन लगी ना कुछ हुआ, सिर्फ चाय पी और फिर हम निकल आए थे बाहर। बाहर आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं कल जो आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, वो कुछ भी नहीं था इसके सामने। मैंने कहा था ना फ्राइडे नाइट को होती है भीड़, तो ये अब भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी। ये देखिए हर जगह, हर पॉइंट पर हर जगह लोग थे, खाना पीना चल रहा था। तो बस हम लोग भी निकले थे चाय पीने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं पुणे का माहौल कैसा रहता है रमज़ानों में। तो यही माहौल रहता है, पूरी रात खुला रहता है, और अभी तो कम, आप समझो कि कम है, रात में तो और भी ज़्यादा हो जाती है भीड़। मतलब लोग जो है वो पूरी रात सोते ही नहीं है, सब लोग शहरी के बाद सोते हैं। और शहरी के बाद का माहौल आप देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या मालूम यहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता, ऐसा सुनसान रहता है। तो फिलहाल ये है बाहर का माहौल, आप लोग इन्जॉय कीजिए। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर पर आने के बाद खाना वाना खाया था, उसके बाद अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो उसके बाद अब सो जाएंगे, फिर शहरी में उठेंगे और फिर वही डेली रूटीन। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।